जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने किसी भी बैंक खाते से चेक के जरिए पैसा निकालना चाहते हैं तो उस चेक को आपको कैसे भर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी जानकारियां आपको लिखनी होती हैं ताकि बैंक में जाकर आपका जो चेक है वो कैंसिल ना हो। दोस्तों आमतौर पर अगर हम पैसा निकालना चाहते हैं तो हमारे पास या तो एटीएम कार्ड के जरिए पैसा निकाल सकते हैं या चेक के जरिए, या फिर वहां पर हम स्लिप भर के 25,000 तक का अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 50,000 से ऊपर की तो यहां पर हमारे पास चेक ही सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर फिर बचता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक चेक ले लिया है और इसको हम जानेंगे कैसे आप इसको भरेंगे अपने खाते से पैसा निकालने के लिए। तो सबसे पहला नंबर आता है डेट का, यहाँ पर आपको डेट भरनी होती है जिस डेट को आप उस चेक को जमा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको डेट डालनी होती है। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा ये जो डेट आप डालेंगे इसके 3 महीने तक ये जो चेक है ये वैलिड रहता है, यानी कि 3 महीने तक आप इस चेक को यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये चेक फिर बेकार हो जाएगा अगर आपने इसको यूज नहीं किया। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट डाल लेनी है। मान के चलिए कि आज की जो डेट है वो 27 सितंबर है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 27 सितंबर। इसके बाद आपको मंथ डाल लेना है और उसके बाद आपको ईयर डाल लेनी है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डेट भर लेंगे और आपकी जो डेट का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पे वाला एक ऑप्शन मिलता है। इस पे वाले ऑप्शन में आपको लिखना है सेल्फ, यानी कि आप खुद पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ लिखना है। सेल्फ लिखने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे ताकि इसके आगे कुछ और ना लिखा जा सके और इसके साथ कोई मिसयूज ना किया जा सके। सेल्फ लिखने के बाद दोस्तों आपको रुपीज का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको वो अमाउंट डालना होता है जो अमाउंट आप अपने बैंक खाते से निकालना चाहते हैं। मान के चलिए आपको 1,00,000 रुपए निकालने हैं तो आप 1,00,000 यहाँ पर लिखेंगे। 1,00,000 आपको यहाँ पर लिखना है आपका वर्ड्स के अंदर, शब्दों के अंदर। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में लिख के आपको दिखाया है, तो हिंदी में भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पर 1,00,000 लिखेंगे, एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद आता है आपका नंबर्स में आपको वो अमाउंट डालना है जो आप निकालना चाहते हैं। तो मान के चलिए 1,00,000 मुझे निकालना है तो नंबर्स के अंदर मैं इसको फिल कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने नंबर्स में भी लिख लिया और वर्ड्स में भी लिख लिया, डेट भी डाल ली। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आपको भरना होता है, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हो प्लीज साइन अबव, यानी कि जो बैंक में आपके सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको फिल करने होते हैं। नॉर्मली इसी एरिया में किसी भी चेकबुक में आपको सिग्नेचर करने होते हैं, कई बार इस पर आपका नाम लिखा हुआ दिखाई देता है और कई बार ये नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अपने जो बैंक में आपके सिग्नेचर चलते हैं वो यहाँ पर आपको कर लेने हैं, जैसे मैंने आपको सिग्नेचर करके दिखाया उस तरीके से आप अपने बैंक वाले सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। अब जो फ्रंट वाला एरिया है जिसमें हमको जो जो लिखना था वो सारी चीजें हमने लिख ली हैं, डेट है, किसको हम ये चेक निकाल रहे हैं, कितना अमाउंट है और उसके सिग्नेचर। इसके बाद दोस्तों ये जो चेक है इसके पीछे वाले हिस्से पर आपको 2 बार साइन करना है, यानी कि ये जो चेक हमने भरा है इसके पीछे वाले हिस्से पर आपको 2 सिग्नेचर कर देने हैं, जिससे कि बैंक कर्मचारी को आपके चेक को, आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं इस पर 2 बार सिग्नेचर कर देता हूँ जिससे कि मेरे सिग्नेचर को रीवेरीफाई किया जा सके। इसका फायदा ये रहता है कि अगर आपके सिग्नेचर एक बार में वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो आप दूसरी बार में वो कर्मचारी दूसरे सिग्नेचर को देख के उस चीज को शॉर्ट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो चेक है ये रेडी हो चुका है और इसके अंदर जो जो चीजें हम लिख सकते थे वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इस चेक को आप ले जाकर बैंक में जमा करेंगे तो आपको कोई भी अलग से आईडी देने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसके जरिए ही आप 10 से 15 लाख रुपए तक का अमाउंट और इससे ज्यादा का भी अपनी होम ब्रांच से या नॉन ब्रांच से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।